करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। कि अज एक अजिहे इतिहासिक गुरु घर दे तुहानू दर्शन करवान जा रहे हैं। गुरु घर जिस जगह पर बनया होया उत्थे दसवें पातशाह गुरु महाराज ने जित भी हासिल की सी। अज असी जिला श्री मुक्तसर साहब दे विच मौजूद हाँ। तो गुरु घर का नाम है टिब्बी साहब। जदों खिदराने की जंग हुई, 40 मुक्तियां का इतिहास, जदों 40 सिंघां ने उत्थे जोर दिखाए, तो इस जगह पर जदों सिंघां की बेनती तो बाद सलाह तो बाद गुरु महाराज इत्थे आउंदे ने, तो टिब्बी साहब गुरद्वारा जिथे मौजूद है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे लिखण दे लई शब्द घट पै जांदे ने, पर लिखण वाले फिर भी लिख जांदे ने। ते इह सतरां अज मैं क्यों कही आ, क्योंकि अज एक अजिहे इतिहासिक गुरु घर दे तुहानू दर्शन करवाण जा रहे हां। जिस गुरु घर जिस जगह पर बनया होया उत्थे दसवें पातशाह गुरु महाराज ने जित भी हासिल की सी। अज असी जिला श्री मुक्तसर साहब दे विच मौजूद हाँ। तो गुरु घर का नाम है टिब्बी साहब। इस गुरु घर का भी एक वड्डा इतिहास है। जदों खिदराने की जंग हुई, 40 मुक्तियां का इतिहास, जदों 40 सिंघां ने उत्थे जोर दिखाए, तो इस जगह पर जदों सिंघां की बेनती तो बाद सलाह तो बाद गुरु महाराज इत्थे आउंदे ने, तो टिब्बी साहब गुरद्वारा जिथे मौजूद है। इतिहास कहिंदा है कि जदों इत्थे महाराज आउंदे ने तां इस जगह दे उत्ते बहुत वड्डा टिब्बा हुंदा सी, एक उच्चा जिहड़ा आसन लाया फिर गुरु महाराज ने, तो इत्थों खिदराने की ओर ढाब दिखाई देंदी सी जिथे खिदराने की जंग हो रही सी। अज खिदराने का नाम श्री मुक्तसर साहब है। तो उत्थे जदों जंग हुंदी सी तां इत्थों गुरु महाराज देख रहे सी, ते गुरु महाराज इत्थों तुरकां दी फौज दे उत्ते तीर दे नाल निशाने भी लाउंदे सी। औरंगजेब दीआं फौजां उसदा जिहड़ा अगे वजीर खान जिहड़ा फौज लैके आया सी उहनां दा जरनैल, तां इत्थों जिहड़ी जंग लड़ी गई, जित भी प्राप्त कीती, 40 मुक्तियां ने शहीदी भी प्राप्त कीती, ते गुरु महाराज जी ने उहनां दा बेदावा भी पाड़िया। उस तों बाद एक वड्डा इतिहास है, उहनां स्थानां दे वी तुहानूं दर्शन करावांगे। पर अज वो स्थान जिथे दसवें पातशाह जी ने चरण पाए, तो इस गुरु घर का इतिहास है, आओ अंदरों भी दर्शन करते हैं। ये सेवा भावना, ये इतिहास साडियां रगां दे विच खून बन के दौड़दा है। असी आदे इतिहास नूं जिउंदा रखिया, तो जिथे भी कोई महान जित हासिल होई जां साडे गुरु साहिबानां ने चरण पाए जां उन्हां दी एक छोटी जी गल भी किसी जगह दे नाल जुड़ी, तो असी उत्थे गुरु महाराज जी का स्थान जिहड़ा शोभित किया, गुरु महाराज दे गुरु घर बनाए गए। तो ये एक इतिहासिक गुरद्वारा है जिन्हां नूं सांभ के रख्या होया। हज़ारां लखां दी गिनती दे विच इस गुरु घर दे विच संगत आउंदी है, नतमस्तक हुंदी है, गुरु महाराज दे आशीर्वाद प्राप्त करदी है। तो इस जगह तो एक जोश ते प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि जंगा युद्धां दा साडा इतिहास रहा है। तो एक जंग गुरु महाराज जी ने इस जगह तो खिदराने की ढाब दे लई लड़ी, इस जगह तो तीर चलाए गए, तो माझे दे सिंघां दी जिहड़ी आ ओह टुट्टी भी गंढी सी, बेदावे पाड़े गए। तो बेदावे कहिंदे उदों लिखता बहुत आसानी दे नाल गए होणे आ सिंघ, पर जदों बेदावा पाड़िया तो खून दे नाल पाड़िया, शहीदी देनी पई, शहादत प्राप्त की। तो यह भी गुरु महाराज की कृपा दे नाल होया। तो यह इतिहास सीगा इस गुरु घर का। अगे होर भी श्री मुक्तसर साहब के गुरु घर के तुहानू दर्शन करावांगे, वह भी देखते हैं।